नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना का संकट 2022 में भी कायम है। नए साल के मौके पर दुनिया भर में जश्न फीका रहा। अमेरिका में लगातार तीसरे दिन 5.80 लाख से ज्यादा नए केस मिले हैं। इससे पहले भी 4.88 लाख नए केस पाए गए थे। अमेरिका में कोरोना की नई लहर ने संकट और गहरा दिया है। बड़ी आबादी के वैक्सीनेशन के बाद भी नए केस के मिलने से चिंताएं बढ़ गई है। राहत की बात यह है कि सिर्फ यह है कि ओमिक्रॉन वेरियंट के मामले ज्यादा गंभीर नहीं है और उससे पीड़ित लोगों में जान गंवाने का जोखिम डेल्टा वेरियंट के मुकाबले काफी कम है। यहाँ तक कि ओमिक्रॉन से पीड़ित लोगों को अस्पताल में भी ज्यादा भर्ती नहीं करना पड़ रहा है। कोविड 19 वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। देश में रिकवरी से 2.5 गुना ज्यादा केस मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोविड 19 के 22,775 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 8,949 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं और कुल 406 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भी देश में लगातार मिल रहे हैं। अभी देश में इस वेरिएंट के कुल 1400 से ज्यादा मामले मौजूद हैं। देश में सभी सक्रिय केसों की संख्या 1,04,781 पर पहुंच गई है। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.32% है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लोगों को सुरक्षित रहने के साथ ही मदद के लिए बेहिचक फोन करने के लिए अपील की है। सोनू ने ट्वीट के साथ उनके चाहने वाले खुश हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सोनू सूद छा गए हैं। हर कोई उनका गुणगान कर रहा है। यूजर का कहना है कि गरीबों का मसीहा एक बार फिर से लोगों की मदद के लिए सामने आ गया है। नए साल पर केंद्र सरकार ने 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेशन का तोहफा दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच शनिवार यानी कि 1 जनवरी 2022 से कोविन पोर्टल एप्लीकेशन पर 15 से 18 साल के किशोरों के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो सुबह 10 बजे से खोल दिया गया था। सोमवार से इनका वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान हिंदू परिषद की तरफ से खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक मंदिर के दर्शन के लिए चुनिंदा समूह को आमंत्रित करने के कदम का विरोध किया है। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को बताया है कि भारत अब भारतीय आयोजकों की तरफ से चुने गए 160 तीर्थयात्रियों को भेजेगा। पाकिस्तान हिंदू परिषद पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय की एक शीर्ष संस्था ने भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के 250 हिंदुओं के एक समूह को परमहंस जी महाराज की समाधि पर जाने के लिए आमंत्रित किया था, जिनकी खैबर पख्तूनवा की तेरी गाँव में 1919 में उनका देहांत हो गया था। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की शुरुआत के स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं। 2 महीने बाद एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी सर्वाधिक पाए गए हैं। सक्रिय मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन पहुंच गया है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 1300 से ज्यादा हो गए हैं, जिनमें से 374 मरीज या तो ठीक हो चुके हैं या दूसरे देश चले गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 320 मामलों और 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1796 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि जिन हवाई यात्राओं का खर्च सरकार वहन करती है, उन सभी के लिए 3 एजेंट बॉमर लॉरी, अशोक ट्रैवलर्स एंड टूर्स एंड IRCTC में से किसी एक से टिकट खरीदे जाएंगे। एक कार्यालय ज्ञापन में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया है कि हवाई यात्रा के सभी मामलों में जहां भारत सरकार हवाई मार्ग की लागत वहन करती है, हवाई टिकट 3 अधिकृत ट्रैवल एजेंट बॉमर लॉरी और कंपनी लिमिटेड अशोक ट्रैवलर्स एंड टूर्स भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड से खरीदे जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनसंवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के सरकारी स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्रों को निःशुल्क टैबलेट योजना को शुरू करते देखे गए। राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में योजना शुरू करने के लिए कुछ ही देर में सीएम धामी पहुंचते हुए दिखाई। राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में योजना शुरू होने से पहले ही सीएम धामी पहुंच गए थे। बैंक में जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर और चीफ डिजिटल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार कुल 6 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है, वो PNB की आधिकारिक साइट PNBIndia.in के माध्यम से नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2022 तक है। नए साल के पहले दिन कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को तोहफा दिया गया है। इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल के अनुसार 1 जनवरी 2022 को दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए की कटौती की गई है। अब 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर दिल्ली में 1998.5 में मिलेगा।
दुनिया पिछले करीब दो साल से कोरोना वायरस की मार झेल रही है। मौजूदा वक्त में भी ओमिक्रॉन और डेल्टा जैसे कोविड-19 के वेरिएंट दुनिया भर की मुश्किल बढ़ाए हुए हैं। ओमिक्रॉन के मामले दुनिया भर के देशों में बढ़ रहे हैं। इस बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दी है। इसराइल में फ्लोरोना बीमारी का पहला मामला सामने आया है, जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का दोहरा संक्रमण। अरब न्यूज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि इसराइल में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा वनडे सीरीज से बाहर है। रोहित हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं सके हैं। रोहित की जगह केएल राहुल वनडे टीम की कमान संभालेंगे। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा टीम इंडिया में चार साल बाद ऑफ स्पिनर आर अश्विन की वापसी हुई। अश्विन साल 2017 में आखिरी बार वनडे मैच खेलते देखे गए थे। चयनकर्ताओं ने विजय हजारे ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को भी वनडे टीम में जगह दी है। युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में स्थानांतरण का अनुरोध करने वाली अभिनेत्री की अर्जी खारिज करने की निचली आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को निरस्त कर दी है। हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसयू बघेले द्वारा जारी विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं करवाया गया है। सरकार ने कहा है कि आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही थी। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने साफ कहा है कि आयकर रिटर्न भरने की आधिकारिक समय सीमा को 31 दिसंबर ही तय किया गया था और यह बरकरार है। उन्होंने कहा है कि इस बार भरे गए रिटर्न की संख्या बीते वर्ष के मुकाबले अधिक है। कल दोपहर 3 बजे तक 5.62 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो पिछले साल 31 दिसंबर तक दाखिल किए गए कुल 4.93 करोड़ से 14% अधिक है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान अधिनियम रजिस्ट्रेशन की वैधता के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। मंत्रालय के विदेश विभाग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि FCRA पंजीकरण की वैधता को बढ़ाने के संबंध में 30 सितंबर 2021 के अपने सार्वजनिक नोटिस के क्रम में केंद्र सरकार ने FCRA पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता को 31 मार्च 2022 तक या उनके रिन्यू संबंधी आवेदन के निपटान की तारीख तक बढ़ा दिया गया है। भारत के दवा नियामक ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ नए कोविड-19 टीके के लिए एक दवा पदार्थ ड्रग सब्सटेंस बनाने संबंधी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों में वृद्धि की खबरों के मद्देनजर यह कदम काफी महत्वपूर्ण है। ओमिक्रॉन स्वरूप के खिलाफ टीका अनुसंधान के लिए SII ने सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक को परीक्षण और विश्लेषण का आवेदन दिया था। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उनके अलावा राजौरी गार्डन में समाजसेवी अरविंद चांदेला ने भी आप ज्वाइन किया है। इन दोनों लोगों को आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता, मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती ने पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। 3 जनवरी से शुरू हो रहे 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने अपने 1000 से ज्यादा सेंटर तैयार किए। हमारे पास 3 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की क्षमता है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड को पूर्ण मंजूरी के लिए देश के दवा नियामक और स्वास्थ्य मंत्रालय को आवेदन किया है। सीरम इंस्टीट्यूट, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता भी है, उसे बीते साल की शुरुआत में भारत में कोविशील्ड की आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। नए साल से आपके लिए कार खरीदना और महंगा हो जाएगा। दरअसल कच्चे माल की कीमत में बढ़त की वजह से कई प्रमुख कार कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी, जिसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, वॉल्वो, फॉक्सवैगन, स्कोडा, टोयोटा, मर्सिडीज बेंज और ऑडी का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसने एक बार फिर से सभी को डरा दिया है। एक दिन पहले सिर्फ 24 घंटे के अंदर 8000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी केस बढ़ रहे हैं। देश में सबसे अधिक मामले दर्ज करने के बाद राज्य सरकार पहले से ही कई सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के एक मंत्री ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य में नए सिरे से लॉकडाउन लगाने का स्टेज करीब आ रहा है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने जोर देकर कहा है कि जब कोविड वेरिएंट्स के प्रसार से निपटने की बात आती है, तो रात के कर्फ्यू के पीछे कोई विज्ञान नहीं है। एक टीवी मीडिया साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि भारत जैसे देशों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विज्ञान आधारित नीतियां बनानी चाहिए। सौम्या ने टीवी से बातचीत में यह भी कहा है कि रात में कर्फ्यू जैसी चीज, इसके पीछे कोई विज्ञान समझ ही नहीं आता है। साक्ष्य आधारित उपाय करने होंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की एक पूरी सूची है। स्वामीनाथन ने कहा कि मनोरंजन स्थल और स्थान वैसे स्थान है जहां से वायरस सबसे अधिक फैलते हैं।
नए साल की पूर्व संध्या पर चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने चाइना मीडिया ग्रुप और इंटरनेट के माध्यम से नववर्ष 2022 का संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि साल 2022 आ गया है। मैं पेचिंग में आप लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। बीता एक साल बहुत असाधारण रहा है। हमने व्यक्तिगत रूप से पार्टी और देश के इतिहास में मील के पत्थर वाली अहम बातों का अनुभव किया। दो शताब्दी वाले संघर्ष लक्ष्य ऐतिहासिक तौर पर जुड़े हैं। हमने चौतरफा तौर पर आधुनिक समाजवादी देश के निर्माण की नई यात्रा शुरू की है और चीनी राष्ट्र के महान कायाकल्प को साकार करने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नववर्ष 2022 की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को देशवासियों को उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है और लोगों को समाज और देश की प्रगति के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अपने एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नववर्ष 2022 के अवसर पर मैं देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुरू की है, पढ़े भारत का शुभारंभ कर दिया है। 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह रचनात्मकता, महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक और लिखित दोनों जगह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करता है। साल 2021 में दूरदर्शन की लोकप्रियता ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, क्योंकि देश भर में डीडी चैनलों के दर्शकों की संख्या कुल मिलाकर 6 अरब से अधिक दर्ज की गई है। 190 से अधिक देशों में फैले दर्शकों के साथ दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के 185 से अधिक यूट्यूब चैनल को 2021 में 1 अरब से अधिक बार देखा गया है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सिख मतदाताओं के महत्व को समझते हुए भाजपा उन्हें रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने शुक्रवार को राज्य के प्रभावशाली सिख नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उनके लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। लखनऊ कानपुर के बीच ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 6-लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य मार्च से शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 1935.64 करोड़ बजट स्वीकृत कर दिया है। एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरी ने बताया है कि एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 63 किलोमीटर है। एक्सप्रेसवे बनने से लखनऊ से कानपुर केवल 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि एक्सप्रेसवे का टेंडर खुल गया है। उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कैफुल वरा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से पढ़ाई करने वाले छात्रों को नए साल में योगी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। सूबे के करीब 17,000 मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सेना सहित विभिन्न सेवाओं में नौकरी करने और विदेश में भी उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने का रास्ता खुल जाएगा। बिहार में बढ़ रहे कोविड 19 के मामलों को देखते हुए सीएम नीतीश ने साफ कर दिया है कि फिलहाल स्कूल कॉलेज को बंद करने को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि बिहार में अभी पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसे में स्कूल कॉलेज फिलहाल खुले रहेंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो आगे बैठक करके इसका कोई निर्णय लिया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिंसेस जारा, कुंदन साजवान, राम सरोवर यादव, रघुनाथ प्रसाद, नुन्नू कुमार, वैद्यनाथ ठाकुर, प्रिया यादव, मुन्ना यादव, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कुमार राजेश, विनोद कुमार राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार ओमिक्रॉन के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए देश भर के स्कूल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।